हो गया? क्या हो गया अनमोल? क्या हो गया? ठीक तो फिर बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं। नो लैंड वहीं पर था, मैंने अभी देखा। यहाँ कुछ भी तो नहीं है। चलो चलो बेटा, चलो चलो सब लोग नीचे चलो। इतने सालों बाद किसने बुलाया? फरिश्ता, आप यहां क्यों आए हैं? क्यों बुलाया मुझे? इतने सालों बाद यहां आने की वजह? वक्त 21 साल पूरे हो गए, वक्त आ गया है तो आने दो ना। पर 21 साल बाद जो होना था वो नहीं होगा। बरसों बाद तक्षक फिर आ रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक नागिन बने, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं उस दुनिया में वापस जाऊँ, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। इतने सालों में मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं किया है। नागिन वंश के नीति नियम की किताब कहती है कि तुम शेष नागिन तो अब भी हो। बदकिस्मती से शेषनाग ने तो फिर से हजार साल की समाधि ले ली है, वो फिर से शेष सैया बन गए हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की सेवा में चले गए और मुझे यहाँ छोड़ गए, तो अब तुम्हारे संपर्क में मैं रहूंगा। ये चश्मे वश्मे पहन के तुम सिर्फ अपनी उम्र बढ़ा रही हो, पर नागिन कभी बूढ़ी नहीं होती। आप मुझे बताइए, आप किस काम से आए हैं? देखिए फरिश्ता, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आपके बुलाने पर मैं ऐसे आ नहीं सकती। आना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी जब 21 साल की होगी तो वो भी नागिन बन जाएगी। उसके 21 साल पूरे होते ही पहली लाल चांद की रात तुम्हें उसे अपनी नागमनी देनी होगी, फिर वो बनेगी शेष नागिन। वैसे तो एक नानी अपनी नातिन को शेष नागिन बनाती है, पर तुम्हें याद है शिवजी ने तुम्हें एक वरदान दिया था, वो अब रंग लाएगा। उस रात तुम्हें अपनी शेष नागिन की शक्तियाँ अपनी बेटी को देनी होगी, पर चार दिन बाद लाल चांद की रात को वो शेषनागिन का रूप लेगी। उसके बाद तुम्हारे पास शेषनागिन की शक्तियां तो नहीं होंगी, पर तुम एक नागिन हमेशा रहोगी। तो लाल चांद की रात को तुम्हें आना ही होगा। अब यही प्रथा है, प्रथा। पर ये प्रथा वो प्रथा नहीं करेगी। देखते हैं। तो देख लीजिए, पर मैं नहीं आऊंगी। 21 साल की उम्र में लाल चांद की रात को नई शेषनागिन का स्वागत करने आओ प्रथा, अपनी बेटी का निवारण करने आओ। मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी, आना ही होगा तुम्हें। नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी। कैसा लग रहा है अपना वो रूप दिखा के जिसे इतने साल तक छुपा रही थी तुम? डैड, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बड़ा सांप था, मैं तो डर गई थी। डोंट वरी बेटा, आपकी मॉम अभी यही तो देखने के लिए गई कि वहां पे वाकई में कोई सांप था या सिर्फ तुम्हारा वहम था। डैड, यू कितने गंदे लगते हैं स्नेक्स, कैसे रेंगते हैं जमीन पे।
मॉम, देखा आपने कोई था वहाँ पे? नहीं नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था और जो भी था उसे भगा दिया। मॉम, पर आपको स्टिक पे क्यों नहीं लेके गए साथ में? क्यों? अरे मैंने आपको बताया ना, वो बहुत बड़ा सांप था, अगर आपको काट लेता तो। सांप मुझे काटता? शेष नागिन हूँ मैं, नाग नागिन मुझे प्रणाम करते हैं, काटते नहीं। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरी बेटी का बर्थडे है यार, कम ऑन प्ले सम म्यूजिक गाइस। हे शिव जी, मैं प्रणाम करती हूँ आपकी शक्तियों को, आपके नागवंश को और आपके नीति नियमों को कि आपने मुझे शेष नागिन चुना और आपके दिए गए सारे काम मैंने किए, पर मेरी बेटी नागिन नहीं बनेगी। चलिए आइए। बेटा बहुत लेट हो गई है, बस अब रात को इतना सब कुछ सुनसान पड़ा है। भैया एक मिनट, भैया वो यहाँ पर वो ऑटो कहाँ मिलेगा? ऑटो रात को 12 बजे, नसीब अच्छा होगा तो मिल जाएगा। चलो। 12 बज गए, तू मेरे साथ आ। चल 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 जल्दी। रात को 12 बजे चाय पियोगे क्या पापा? चाय छोड़ तू चल तो। आज तेरा बर्थडे था, लेकिन तेरा बर्थडे मनाना मैं कैसे कर सकता था, और केक शॉप बंद थी तो सोचा चलो इस बार बन मस्के से ही काम चलाते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रार्थना, Happy birthday to you. Happy birthday. Sorry, केक नहीं ला पाया तेरे लिए। आपके प्यार से ज्यादा मीठा और कोई केक हो ही नहीं सकता पापा। तू मीठी है जो पापा का सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। क्या हो? पापा सांप, आप यही रुकना। नहीं नहीं तू मत जा, मत जाना। हे तू क्यों जा रही है?
शेषनाग अपनी किताब मेरे पास छोड़ के गए हैं, अपने ईष्ट विष्णु जी की सेवा में उनकी शेष सैया बन गए। अगर किताब आपके पास है तो आप ही बता दीजिए आगे क्या होने वाला है। शेषनागिन की बेटी के शरीर पे कोई निशान मिला? शेषनागिन वो है भी या नहीं? और शेषनागिन ने शिवजी से एक प्रार्थना की थी कि उसकी बेटी कभी शेषनागिन नहीं बने, क्या शिवजी ने उसकी प्रार्थना सुन ली? प्रभा के हाथ में उसकी जो बेटी है वो तो शेषनागिन नहीं बनी। मतलब? मतलब वही जो मेरे दोस्त शेषनाग ने कहा, पन्ना बदलते ही वक्त बदलेगा, और वक्त के बदलने में वक्त का इंतजार करना, वक्त पे वक्त अपनी बात खुद कह देगा, और यही काल ने भी कहा है, और काल भैरव के भक्त तो हम सदियों से रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब कहानी तो अब शुरू हुई है, इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। दो बहनें एक ताज, दो बहनें एक प्यार, दो बहनें एक कहानी, दो बहनें एक शेषनागिन। हर बार लाल चांद की पूर्णिमा के पहले मेरी स्किन को कुछ कुछ होता है। ये चांद के साथ क्या कनेक्शन है मेरा? जो आज दिखी पता नहीं अब कब दिखेगी, पता नहीं अब उससे कब मिलना होगा। शांत हो जाओ, मुझे बता कि तूने सपने में क्या देखा। और मैं किसी बहुत पुरानी जगह पे थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ शिवजी की मूर्ति थी और मेरे आसपास बहुत सारे सांप थे जो धीरे धीरे करके मुझसे लिपट रहे थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और कोई पीछे से मुझे देख भी रहा था। अनमोल के बर्थडे के बाद चौथा दिन है आज, इसके बर्थडे के चार दिन बाद आज वो लाल पूर्णमासी है, आज रात वो होगा। अच्छा देख, ये सब भूल जा। सुन, रुद्र का फोन आया था, तेरे बारे में पूछ रहा था, मैंने बता दिया कि तू सो रही है, तो अब ये सांप, ये सपना सब कुछ भूल जा, रुद्र से बात कर ले और जल्दी जल्दी जाके तैयार हो जा। रुद्र ने पूछा मेरे बारे में? मैं रेडी होती हूँ। आज अनमोल के 21 साल के जन्मदिन के बाद की पहली लाल चांद की पूर्णिमा है। आज रात को वो शायद शेषनागिन बनेगी।
पर मैं उसे नहीं बनने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं इस कायनात की करनी को रोकूंगी। इसी जगह पर तो कल एक सांप दिखा था, ये सपेरा उसी को पकड़ने आया है। हाँ हाँ, यहीं कहीं था वो। ये बीन की आवाज से मुझे क्या हो रहा है? सपेरा लगता है ये, इतने जिद्दी सांप को भी अपने बीन से काबू में कर लिया। उरी बाबा, ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है। आज लाल चांद की वो रात आएगी, कयामत की वो रात आएगी, जिस रात नाग नागिन की शक्तियां और बुलंद हो जाती है, और इनकी इन बुलंद शक्तियों से ही मुझे शक्ति मिलेगी। इन सांपों में कोई एक तो नागिन जरूर होगी, और इस पूनम की रात को आज वो एक नई शेष नागिन बनेगी। ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। सुनिन दादा रुको, आप चलो ना हमारे साथ। कहाँ चलूँ मैं तुम्हारे साथ? कहाँ ले चलोगे तुम मुझे? अरे दादा, न्यूज चैनल वाले ऐसा बड़ा बड़ा खबरों का बड़ा बड़ा खुलासा करता है दादा। ये जो आप बोल रहा था अभी, आज रात की चांद, आज की रात ये नाग नागिन का शक्तियान प्रदर्शन, ये सब सती बात है कि दादा? ये सब बात आप हमारा न्यूज चैनल में आके बोलो ना दादा। अनेक बड़ा न्यूज चैनल, बहुत बड़ा न्यूज चैनल है दादा, पूरा दुनिया देखेगा दादा। दादा लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दादा आमी विवेक, आमी न्यूज चैनल एंकर। हम ऐसा ही बड़ा बड़ा स्टोरी लेके अपना न्यूज चैनल में देता है, जैसा आपका स्टोरी है दादा। और हमारा जो साहेब है ना दादा, वो स्टोरी को अपने चैनल में रिलीज करता है, और वो मालिक भी है दादा। उनका पुराना बहुत सुपरहिट स्टोरी है दादा, और उसका सबसे नंबर टीआरपी है। टीआरपी माने जानो? टीआरपी माने सब लोग जो देखता है ना टीआरपी, हाँ उसको कहते हैं टीआरपी।
हमारा सांप सुनेगा ना कि आप मानते हैं कि नागिन इंसान का रूप ले सकता है, माँ काली आपको बुलाएंगे दादा। चलो ना दादा, एक तो चलो चलो दादा, चलो ना चलो 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 ओखाने हमारी गाड़ी आछे, चलो चलो दादा चलो ना चलो चलो चलो। अब तो ये जॉब पापा पापा पक्की नहीं मिलेगी, ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया? हरे कृष्णा, ये तो आपको देख के ऐसे आया जैसे आपका इसका कोई दुश्मनी है। ये नाली का नेवला और चूहा लोग ऐसा लात मारने से थोड़ी ना भागता है। मैंने आज तक चूहा, कॉकरोच, बिल्ली किसी को नहीं मारा है। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दादा देखो इखाने की होच्छे, इस नेवले ने उस लड़की पर आक्रमण किया और वो लड़की इसको लात मार के खत्म कर दिया इसको। इसे तो मरना ही था, ये नेवला ऐसे ही अटैक नहीं कर रहा था। ताले? वो लड़की, वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक नागिन थी। उड़ी बाबा, नागिन। मिस्टर सनातन, ये वही मास ओपेरा है इसके बारे में बताया था आपको अपना अगला स्टोरी के लिए। तो नेवले ने रस्ते पे एक लड़की पे अटैक किया और लड़की की किक मारने की वजह से वो मर गया। क्योंकि लड़की नागिन थी। व्हाट रबिश। तो तुम चाहते हो कि मैं उनको जाके ये बोलूं कि मैं आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए इनको पकड़ के लाया हूं। हमारा विश्वास करो, बहुत धुआंधार स्टोरी बनेगा, एकदम दारुण। और सुनने में आया है नेवला और नागिन का दुश्मनी अनेक पुराना है, बहुत पुराना, और टीवी पे तो ये सब दिखाते रहते हैं। बहुत टीआरपी आएगा दादा, बहुत टीआरपी। और एक बात, लोग मानते हैं कि नागिन होता है। वक्त आ रहा है, वो नागिन मेरे आसपास ही है। कुछ ही घंटों में लाल चांद भी निकल आएगा और वो नागिन जहां कहीं भी होगी मेरे पास आ जाएगी और आज उसका चेहरा दिख ही जाएगा। सर आज इंटरव्यू लेना है, दो तीन लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो मिल करके आप नेक्स्ट शो के लिए फाइनल कर लीजिए। हाँ मॉम। हाँ बोलो जल्दी। अरे नहीं, मेरा इंटरव्यू है, बहुत काम है यार। अरे बस 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 मॉम, नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा काम करना है। हाँ बाय। आकांक्षा मना कर दो भाई, आज तो नहीं हो पाएगा। ओके सर। गॉड जी प्लीज, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, प्लीज ये जॉब दिला दो। हाय, सॉरी गाइज, सर ने बोला है कि आज आप लोगों का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि सर आज बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो आज नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों को बाद में कभी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज सर बहुत बिजी हैं और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ऐसे कैसे सर बिजी है तो वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल कर सकते हैं? देखिए कल मुझे आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, मेरी माँ बीमार है, मैं यही वेट कर लूँगी। नो एक्चुअली ही इज़ नॉट श्योर कि वो कब फ्री होंगे और आज इंटरव्यू ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो आप लोग बाद में आ जाइए। देखिए मुझे इस जॉब की सच में बहुत जरूरत है, आप प्लीज सर से एक बार बात कर लीजिए। सर ने मना किया है। यार इंटरव्यू नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगा और मुझे ये जॉब चाहिए। बट पॉसिबल नहीं है। अशुन 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 दादा रुद्र दादा अशुन अशुन सर, सांपों का अनेक टीआरपी है सर। विवेक वो एक सपेरा है, वो सांप पकड़ता है, उसको मैं अपने शो में क्यों लूं? Come on Rudra, let's try, maybe he's right. Are you out of your mind? सर, हमारा बात भी सुनो ना सर। आज लाल चांद की लाल रात है, सुना है आज रात नाग नागिन की शक्तियां बुलंद होता है, नागिन आता है। Please Rudra, तुम एक काम करो, इसको लेके बाहर वेट करो, मैं भी आता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक।
दादा आपने एक बसें दादा। देखिए वो ऐसे ऐसे कैसे इंटरव्यू कैंसिल कर सकते हैं। तुम्हारे बॉस समझते क्या आपने आपको? आप लोगों ने यहाँ पर 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है और आप अचानक से कह रहे हैं कि आपके बॉस के पास टाइम नहीं है, वो इंटरव्यू नहीं लेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, वो सारे छोटे छोटे शहरों से आए हैं और आपके जो बॉस है ना, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। उनके बड़े न्यूज चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें चलती है, बड़े बड़े खुलासे होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, वो अपने छोटे शहर से वो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं कि उन्हें इतनी बड़ी कंपनी में ना जॉब मिलेगी, और आपने कितनी आसानी से उनकी उम्मीदों को तोड़ ही दिया। बस कह दिया कि ये इंटरव्यू नहीं होगा। लिसन, इट्स ओके बट इट्स नॉट ओके। पता है तुम्हारा चेहरा किसी से मिलता है और उस चेहरे को मैं जानता हूं। एक काम करो, तुम लोग यहां पे वेट करो, मैं ये इंटरव्यू पूरा करने के बाद सारे इंटरव्यू आगे लूंगा। थैंक यू सर। आप लोग वेट कीजिए। जॉल खान, सर तो क्या काम करते हैं दादा? हम नाग नागिन को पकड़ते हैं और ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। आज की दुनिया में भी नागिन है, शेष नागिन, और उसकी बेटी भी है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन आज की रात लाल चांद की रात है और आज पूरी कायनात उसका असली चेहरा देखेगी। आज शेष नागिन की बेटी नई शेष नागिन बनेगी और हमें वो चाहिए, क्योंकि किसी भी नागिन की शक्ति से ज्यादा शक्ति हमारी इस बीन में है। आज हमारी ये बीन उस नागिन को बुलाएगी और वो हमें मिल जाएगी। इंटरव्यू सेटअप करो। डैड देखो ना, रुद्र मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? यार प्रता समझाओ ना अपनी बेटी को, देखो ना इसे क्या हो गया। वो रुद्र से जरा सा भी भाव नहीं देता, पर इसको इससे मिलने जाना। वो एक इसका फोन भी नहीं उठाता, पर इसे वही चाहिए। तो अगर उसे मिलने जाना है तो उसे जाने दीजिए ना। कोई बात नहीं, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हम भी साथ चलते हैं और रुद्र को मिल लेते हैं। सीरियसली? मैं अभी रुद्र की मॉम डैड को कॉल करती हूँ और बोलती आई थिंक जाके उसे मिल लेते हैं और रिश्ते की बात भी कर लेते हैं। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ, रुद्र हमारे अनमोल को पसंद तो करता है ही ना, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम रिश्ता पहले लेके जाते? नहीं लता, हमें कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी रिश्ता लेके जाने की। वैसे भी अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? डैड, ऋषभ देखो, मैंने रुद्र की मॉम से बात कर ली है और उन्हें हमारी अनमोल बहुत पसंद है। उन दोनों ने मुझे कहा है कि रुद्र को वो दोनों मना लेंगे, तो रुद्र की जिम्मेदारी हम उन पे छोड़ दें, और कहा है कि हम रुद्र को मिलने उसके ऑफिस चले, तो चलिए ना जाते हैं। नहीं प्रथा, कोई जरूरत नहीं है जाने की। डैड प्लीज। ऋषभ प्लीज चलिए ना। तो ठीक है, तुमसे तो आज तक कौन ही जीत पाए। थैंक यू डैड, आई लव यू। मेरी बेटी को एक साधारण जिंदगी देने के लिए मुझे जिस रास्ते जाना पड़ जाए, जो रिश्ता निभाना पड़ जाए, निभाऊंगी, पर अपनी बेटी पे नागिन रूप की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। मैं इसकी शादी कर दूंगी। वो वक्त आ रहा है, वो रात आ रही है, नई शेष नागिन आ रही है और आज मुझे उसे अपने वश में करना है।
आप जैसे लोग जो चीजें नहीं एग्जिस्ट करती उसमें विश्वास करते हो और वही भ्रम पूरी दुनिया में फैलाते हो। विश्वास कीजिए मेरा, आज कयामत की वो रात है, लाल चांद की लाल रात। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच होगा, आज उसका सजदा उसका जलवा होगा, आज एक विशेष एक नई शेषनागिन बनेगी।